ओ क्या चाल है? ठीक हो ना? हम लोग ये अभी थोड़ी देर पहले लेके आए हैं लाइट्स ना। आप लोग मुझे कमेंट में अक्सर कहते थे कि नीचे ना डैशबोर्ड के नीचे लाइटें हैं, आप वो जो एक डैशबोर्ड के नीचे और एक इसके नीचे। साज याद है जिसे को मैं लेके आया ना लाइटा, उन्हें मैंने एक काम आखे उन्हें आया है इनू ना थले टाई क्लिप नाल बांध दे, चार पाँच टाई क्लिप लैके उन्हें कद डिगन भी नहीं लगे क्योंकि यह डबल टेप जी बिल्कुल फर्क जी है। टाई क्लिप कितों लभन दी मन थलू कितनिया लै चार बहुत होंगे अठ लैवा। बाकी बायस गाड़ी के आप लोगों को लाइट दिखाऊं तो ये चेक करें, बहुत ही कमाल की और बड़े मज़े की लाइट्स हैं माशाल्लाह से। इनकी रोशनी भी बड़ी बेहतरीन और बड़ी अच्छी रोशनी है। टाई क्लिप ले आया हूँ और इसका मैं आपको ना फंक्शन दिखाता हूँ क्या सीन है। अब ये है ना इनको ये ना लाइटर के साथ लग जाता है, मैं इसको बंद करूँगा ये बंद होगी, अब इसको ऑन करूँ तो ये ऑन होगी। इसका ना ये एक फ़ायदा है कि हम इसे ना पार्किंग लाइट के साथ नहीं करवाएंगे और इसके साथ इसके। क्यों सावा सावा देना ठीक ना, हाँ पार्किंग लाइट ना करवाने का फायदा कोई नहीं। एनू एंज असी बंद किता तो बंद, तो एनू एंज किता तो ऑन। तो चलो ये भी एक मैंने आप लोगों की भी फरमाइश थी कि चलो लगवाओ। हाँ सावल को पता करना पड़ेगा यार, ये ना उतर रहा है एक, ये भी सेट करवाते हैं। इसके ना हम लाइट चेंज करके चेक करते हैं, इसमें अपनी मर्जी का आप ऑप्शन कर सकते हो। तो जी रेड हो गया, उसके बाद येलो हो गया, वाइट, ये वाइट ब्लू में आएंगे, ये ब्लू आ गई, ग्रीन हो गई, रेड हो गई, पर्पल हो गई। अच्छा जी म्यूज़िक के साथ ऐसा इनके मजे के बाद इसके ऑप्शन म्यूज़िक के साथ भी आएगा, आप म्यूज़िक के साथ रखना चाहें तो। ये अब ऑटोमेटिक कलर चेंज कर रही है, जम सेवन, इसमें थोड़ा आहिस्ता, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत ही रंग चेंज करती रहेगी देखा। और इसका फेड वाला क्या सीन है ये देखें, खुद बहुत ही कलर चेंज कर रही है, ये वाला सही है। अच्छा इसकी ब्राइटनेस आप ऊंची भी कर सकते हैं, ओह होना चाहिए भाई, तारा बंदा काम कराए तो फिर अच्छा कराए ना। ताज जी देखें हमारी वायर छुपा रहे हैं ये वैसे सही है, वायर वायर कोई भी नज़र नहीं आनी चाहिए यार गाड़ी में, इसकी एक इसकी वायर हम इधर नीचे कर दी है। वायर लाइटें हमारी लग गई हैं और लाइटें चेक करें आप, ये रेड हो गई, ये येलो हो गई, और ये कौन सी है इन्हें, ये ऑरेंज और ये येलो है, ये वाले इनके ना लाइट थोड़ी सी मैं हाई कर दूं ताकि कुछ नज़र भी आए ना। ये ब्लू हो गई, ये वाइट हो गई, और ये पर्पल हो गई, ये भी प्यारी लग रही है। तो खैर लाइटें हमारी बड़ी चौकस लग रही हैं, पीछे भी आप लोग चेक करें। बाकी आप लोगों ने लाइटें देख ली हैं और माशाल्लाह से जो है ना ये बड़ी प्यारी लग रही हैं और एक बड़ी मज़े की लुक दे रही हैं। बायस गाड़ी लग गई है आपके भाई से, ये चेक करो, रिक्शे वाले से लगी है लेकिन बचत हो गई है सिर्फ, यहाँ से पेंट का ना उतर गया तो ये क्यों हैर है, सदका ही समझ लो सदका देंगे अब इसका। बायस एक और चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ ये आप देखें, यहाँ से ना ये अंदर चला गया,
ऐसे देखें तो आप लोगों को ज़रा फील डिफरेंस होगा यहाँ पे ना। तो एक ये भी हो गया है यार, ये अब मैं इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन चलो रोड है। अब ये सुबह सेट करा देते हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, जाते हुए एक वहाँ से गाड़ी लगी है, कागज वाला शीशा बड़े ज़ोर का लगा है, इसकी भी बचत हो गई है। ये वाला शशका भी मजे का यार लग रहा है, कमाल यार मजे की लाइट है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। भाई साहब कल का दिन बड़ा मनहूस गुजरा था हमारा, लाइट्स लगवाने के बाद जब मैं घर आया गाड़ी भी लगी, फिर पहले तो बैक से वहाँ से लगी, मैंने आपको रात को दिखाया भी होगा, फिर ये वाला शीशा बड़े जोर का लगा। तो उसके बाद जो एक और नया मसला निकला है कि कल गाड़ी का एसी कूलिंग करना छोड़ गया, उसकी वजह ये है कि कल हम लोगों ने ना कल उधर ही सावन से ही ना इलेक्ट्रिशियन से पंगा एक ये ले लिया कि पहले जो एसी ऑन होता था ना तो इसका आरपीएम चला जाता था, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ ना यहाँ पे 2 के पास पास चला जाता था, तो हमने काम करा के ना मतलब कि 1000 तक कर लिए। अब जो 1000 पे आया ना तो वो उस तरह गाड़ी मतलब कि ना कूलिंग ही नहीं कर रही, तो बहुत थोड़ी कूलिंग कर रही है। तो अभी मैं सामने के पास जाता हूँ, उसने पता नहीं क्या छेड़खानी की है, तो उसको कहता हूँ यार ये दोबारा मुझे उसी तरह सेट करके दे, पहले गाड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कूलिंग कर रही थी। Let's go boys। टाइम थोड़ा है और अभी हम एक दफ़ा एसी भी इसका ऑन करके चेक कर लेते हैं और देखें। अब एसी लगाता हूँ ना, देखें अब 1000 पे ये 1000 से भी नीचे आरपीएम आया हुआ है, ठीक है, जो कि इसको पहले जाता था 1000 से ऊपर, मतलब कि ना मतलब आरपीएम होना चाहिए है यहाँ पे मतलब 1200 हो जाए या 1300 हो जाए यहाँ पे हो, उससे गाड़ी की परफेक्ट कूलिंग रहती है। कल यहाँ पे जहाँ पे आज वैगनार खड़ी है ना, यहाँ पे रिक्शे वाला खड़ा था, मैं गाड़ी रिवर्स लेके आ रहा था और इस खड्डे को बचाते बचाते जो है ना ये वाला खड्डा जो है इसको बचाते बचाते या रिक्शे में मारी गई गाड़ी, लेकिन यार वो थोड़ा सा पेंट उतर गया, वो कोई नहीं कलम वगैरह लगवा लें। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ना हम लोग रिम टायर चेंज करवाने के बाद ना मतलब कि एक परमानेंट जो हमने रिम टायर रखनी है जो जिसमें फैमिली यूज में भी चले, लगवाऊंगा 13 इंच में, ठीक है। अभी मैंने टायर भी चेंज करनी है, टायर भी इसके एंड हुए हुए हैं तो रखूंगा 13 इंच में ही, बट इसका जो है ना हम लोगों ने करना ये सीन है कि रिम टायर चेंज करवाने के बाद फिर इसकी पूरी जो इस गाड़ी में देखेंगे जहाँ जहाँ पे पेंट होने वाला हुआ, जहाँ पे स्क्रैचेज हुए, क्योंकि जब बॉडी किट्स लगवाई थी तब मैंने गाड़ी को कटिंग क्रीम करवाई थी, उसके बाद थोड़ी सी कलमेशल में लगवाई थी और जहाँ जहाँ पेंट होने वाला वो करवाया था। तो अब 5-6 महीने हो गए गाड़ी चलती भी है उस तरह, मतलब फिर मेंटेनेंस में नहीं भी आती, तो जो है ना एसी कूलिंग सही कर रहा है यार, कल रात को क्यों नहीं कर रहा था, कूलिंग तो फिट कर रहा है, पता नहीं क्या वजह है। खैर इसको एक दफा फिर भी सामल को चेक करवा लेते हैं। अभी मैंने पंखा बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और मतलब सही यहाँ तक पता लग रहा है कि ठंडी हवा मारना इसने शुरू कर दी है, तो खैर इसको हम जाके एक दफा आरपीएम थोड़ा सा तो मैंने तेज़ करवाना है आरपीएम, करवाने के बाद जो है ना फिर आपसे मिलते हैं। गाड़ी बहुत गंदी है, सोच रहा हूँ पानी भी लगवा ही लूँ गाड़ी को। ये 1100 थे। कूलिंग तो बड़ी फिट आ रही है, सही एने दे आरपीएम ठीक 1100 दे ना, नहीं नहीं पेट्रोल दे थोड़ा, 1200 तो नहीं हो सकता, 1100 ठीक है ना, इतना ठीक रहेगा, वैसे 1000 होना चाहिए। वाकई कल कट कराया ना, कल एसी लाने के नाल भी 900 थे, 1000 थे भी नहीं थे, ता जाके ने इतना आया। लाइटा चेक करो ता जी, साढ़े को लग गए थोड़िया लगती है ना, बाय अब आरपीएम 1100 पे हो गए और कूलिंग माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन गाड़ी कूलिंग कर रही है माशाल्लाह, नज़र ना लगे
कल भी दो तीन जगहों से मुझे लगता है मेरी अपनी ही नज़र लग जाती है गाड़ी को, जब जब गाड़ी पे पैसे लगते हैं ना तो गाड़ी कहती है भाई साहब मैं तो नहीं बचना। यार वो आरपीएम किधर चला गया? ताजी आवे हो यार साथ रहने वाला आरपीएम देखो कितने चला गया एकदम बुलाने उन्होंने जमील आना एक मिनट यार आरपीएम देख कितना ऊपर चला गया हालांकि कुछ भी नहीं किया हजार दे 1200 दे चला गया 12 नहीं अगे हाथे ऊपर गई ऐसे हाथों भी ऊपर चला गया जो थोड़ी पीछे की थी ना हां देख यार थोड़ी बड़ी गड्डी है ये सब लोग नहीं थोड़ी बड़ी हाँ जी साहब जी वो गाड़ी आगे लानी है ना मैं बस कट डालूंगा थ्रॉटल बॉडी कह रहे हैं कटी हुई है इसकी और जो है वो सारा सीन जो है आप लोगों ने सुन ही लिया इस वजह से इसका आरपीएम जो है ना आप हो जाता है बाकी तो मसले इसके छोटे मोटे हैं ही वो अब उसका क्या कर सकते हैं। खैर जी हम लोग यहाँ से निकलते हैं देखते हैं कोई अगर गाड़ी साफ वगैरह करवा ही लें और बाकी यहाँ से मिलते हैं सीधा सर्विस स्टेशन पर अगर मैंने साफ़ करानी है वरना सीधा घर मिलेंगे। एक हमें सर्विस स्टेशन जो है ना वो ज़रा हुआ है उनको मैंने कहा मैं कह सिर्फ पानी मार दो आप बहुत है गाड़ी हमारी ऐसे हो गई है बाहर से साफ सुथरी हो गई है बस एक दफ़ा जाके इसको कपड़ा मार लेते हैं। अभी मैं फिर दोबारा सावल के पास जाता हूँ अब्दुल्ला की कॉल है वो कह रहा थ्रॉटल बॉडी बनी हुई है तो जब बनी हुई है तो फिर दायरी से बात है उसको जा कहता हूँ यार इस तरह फिर आरपीएम नहीं होना चाहिए बनवाई थी थ्रॉटल बॉडी। अच्छा बॉयज़ गाड़ी मैंने बाहर से भी साफ़ कर दी है और अंदर से भी मैट वगैरह ने उतार के तो सही तरह साफ शाफ कर दी है तो एसी की हमारी अब देखें एसी लगाया हुआ है और 1100 पे आ रही है अभी थोड़ी सी रेस दूंगा देखता हूँ वापस आकर रुकती है कि नहीं रुकती। हाँ आ रही है ठीक हो गया अब थोड़ी सी चलेगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेट होगी। तो खैर थ्रॉटल बॉडी बनी हुई थी मेरे देन में नहीं था थोड़ा सा यहाँ से निकला हूँ तो अब्दुल्ला की कॉल आ गई वो कहता है यार मैंने अगले दिन थ्रॉटल बॉडी बनवाई है तो जो है ना तुम दोबारा ले कर जाओ वापस। फिर वो उस्ताद जी हैं हमारे एक उन्होंने सही तरह चेक शेक की है उन्होंने कहा आप अगर कोई मसला करे तो वापस ले आओ मसला सारा आरपीएम का आरपीएम मैं हाई नहीं रखना चाहता 1100 पे हो एसी के साथ 1200 पे हो गया गुड है अगर 1500 पे चला जाएगा 1600 पे चला जाएगा तो फिर ये सीन होगा ना कि फिर एवरेज नहीं गाड़ी देगी मसला ये है और तो कोई सीन नहीं है। तो यार गाड़ी भी साफ हो गई मेरे भी अभी बूढ़े हालात ही हुए हैं पसीने के साथ एसी लगाया आके अभी एसी कूलिंग बड़ी फिट कर रहे हैं तो चलते हैं घर। बाकी उम्मीद है आप लोगों को यार व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया तो जो है चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।